If there is a God, who created that God? Who created him? True meaning क्या है मोक्ष का? तो जिसने inner growth ले ली तो उसको मुझे लगता है कि वो outer growth में इतना interested नहीं होगा। तो 11th में fail हुए, तब भी UPSC का जोश था? Everybody sports में। आपको being an IRS officer, उसका कुछ advantage मिला? Deforestation ये सिर्फ एक reason है? हमारे संस्कारों में पेड़ों को अपने पूर्वज माना जाता है। यदि plant नहीं healthy होगा तो You cannot be healthy. Do you believe nature responds? Philippines वगैरह में plant को मारने की जगह उसको गालियाँ निकालना शुरू कर देते हैं तो negative emotion से वो dead हो जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? तो that's how emotional they are. What makes a good human? 99% of you are habits. Do you believe in aliens? मेहरा सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू नितिन। बहुत बहुत मजा आने वाला है आपको। भारत में तो है ही है, बट बाहर भी आपको लोग जानते हैं और आप फेमस हो ग्रीन मैन ऑफ इंडिया के नाम से, बिकॉज आपने जो हमारी कंट्री के लिए किया है बहुत 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 प्राउड वाली बात है वो, और इसीलिए लिम्का बुक में भी आपका नाम है और आप खुद एक IRS ऑफिसर भी हैं। मतलब UPSC क्लियर करना, IRS बनना और उसके बाद एक प्रॉब्लम को समझ के एक कंट्री के लिए इतना कुछ करना कि आपने आज की डेट में इतने सारे फॉरेस्ट बनाए हैं, ट्रीज प्लांट्स किए हैं, ट्रीज डोनेशन की, वो जो बॉल्स हैं मैंने पढ़ा उसके बारे में भी, सीड बॉल्स, उसको भी इतने लाखों लोगों को डोनेट किया है। बहुत कुछ करते हो आप। अभी अभी पहुंचे हो आप एक और फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट बना रहे थे अभी आप, सुबह कोसी गए हुए थे। कोसी गया था। क्या क्रेजी चीज कर रहे हैं आप, मतलब सो पैशनेट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। इतना मजा आएगा आज मुझे और आई एम फीलिंग वेरी वेरी इंस्पायर्ड टू मीट यू। अंकुर रापड़िया के थ्रू हमारा कनेक्शन हुआ था। अंकुर इज ऑल्सो डियर फ्रेंड टू मी एंड इज ऑल्सो एन IRS ऑफिसर, एंड द मोमेंट आई मेट हिम एंड ही वाज टेलिंग मी अबाउट यू, मैं कहा यार सर को किसी तरीके से बुला के लेके आओ, बिकॉज पीपल शुड नो व्हाट ही इज अप टू, व्हाट ही इज डूइंग। पीपल शुड ऑल्सो फील सेम इंस्पिरेशन, सेम मोटिवेशन द वे व्हाट यू आर डूइंग टू द कंट्री। तो थैंक यू फॉर बींग हियर सर, बहुत मजा आएगा, बहुत एक्साइटमेंट है आज तो, मतलब बहुत कुछ सीखेंगे आपसे आज। I'm blessed. एक हमारे साथ शो का रिचुअल है, although आपके सामने मुझे बहुत छोटा लग रहा है ये बोलते हुए, बट हमारा शो का रिचुअल है तो मुझे करना पड़ता है कि एक प्लेज लेनी पड़ती है हमारे शो पे कि आप जो बोलोगे सच बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे। मैं ट्राई करूंगा सच बोलूं, पर सच भी हर एक बंदे का डिफरेंट होता है। बिल्कुल, सच की डेफिनेशन हर एक। I will try to be as honest, as truthful as possible. Awesome. सर पहले ना थोड़ा सा अपने बारे में बताओ कि चाइल्डहुड में जो शुरुआत हुई आपकी, कहाँ से पैदा हुए और ये जो UPSC की जर्नी थी वहाँ तक कैसे पहुँचे? हाँ, मैं अमृतसर में मेरा बर्थ हुआ। हम एक मिडिल क्लास बिजनेस फैमिली को बिलोंग करते हैं और जॉइंट फैमिली में का प्रोडक्ट हूँ मैं। आई स्टिल थिंक कि यदि मेरे मैं अपने आप को देखूँ तो जितनी मेरी नेचर है उसका काफ़ी पार्ट मेरे जॉइंट फैमिली के ग्रूमिंग में से आया है। मेरे को मेरे दादाजी ने बहुत इम्पैक्ट किया, फादर साहब ने बहुत इम्पैक्ट किया, मदर ने, कजन्स ने, और उसके बाद स्कूलिंग, दोस्त मित्र, फिर उसके बाद स्कूलिंग आपकी अमृतसर में हुई? स्कूलिंग मेरी अमृतसर में हुई, अरुणश्मी स्कूल था 8वीं तक, फिर हिंदू सभा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फिर उसके बाद DAV कॉलेज, फिर उसके बाद गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो गॉड हैज बीन सो काइंड, एग्जिस्टिंग हेयर टॉकिंग टू यू इज अ ब्लेसिंग। व्हाइल वी आर टॉकिंग हम जेंगा खेल सकते हैं? ओह जेंगा। तो ये गेम के रूल बताओगे आपको? हम रूल नहीं बनाते हैं, रूल्स वाली चीजें मजा नहीं। सिंपल है कि हम बस इसको एक को निकालेंगे और ऊपर रखेंगे और हमें इसको गिरने नहीं देना, एक एक करके हमारी टर्न आएगी। तो व्हाई टू बी स्केयर्ड, तो मैं तुम्हारे वाले निकाल कर डाल देता हूं। न्यू रूल्स ऑफ द गेम। फिर तो सर ये कभी फुलफिल ही नहीं होगी, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाएगी ये मेरे को लगता है। तो मैं चेंज क्यों करना है? देखो जैसे आपने निकाला तो क्रिएटिव वे टू, मैं आपके लिए चीज ही पकड़ू, बाकी सभी ने ऐसे किया होगा। बिल्कुल। तो हम ऐसे करते हैं कि गेम खत्म हो गया ना फिर एकदम ही। गेम का है कि लाइफ इज फन, जरूरी थोड़ा जीतना है।
ना आप जीतू ना मैं जीतू, दोनों बराबर बढ़ते रहते हैं। क्या है लाइफ आपके लिए? लाइफ सी द पर्पस ऑफ लाइफ इज अ लाइफ ऑफ पर्पस, राइट। वी आर ऑन दिस प्लेनेट मे बी फॉर 75-80 years। ये जर्नी बड़ी बढ़िया होनी चाहिए। एंजॉय एवरी सेकेंड, एवरी मोमेंट, एवरी डे, राइट। एवरी मोमेंट इन द यूनिवर्स, लाइक राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू यू, प्रोबेबली दिस इज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। नो फॉरवर्ड नो बैकवर्ड, ओनली प्रेजेंट, प्रेजेंट, एंड एंजॉय द प्रेजेंट टोटली कंप्लीटली अटली कंप्रीहेंसिवली एंड बी इन टू इट। रेस्ट ऑल इज मिथ। शुरू से ही ऐसे हुआ बचपन से? नहीं, मैंने अपने आप को इवोल्व किया। वैसे तो मुझे लगता है कि भगवान ने सभी को ऐसे ही बनाया होगा, तो हमें जो सोसाइटी ने ग्रूम किया, नहीं डिजायर चाहिए, मुझे ग्रो करना है, मुझे ग्रोथ चाहिए, तो ग्रोथ ठीक है, मतलब एक लेवल तक ठीक है, पर ग्रोथ का पर्पज आउटर नहीं होता, इट कैन बी इनर ग्रोथ ऑल्सो। तो जिसने इनर ग्रोथ ले ली तो उसको मुझे लगता है कि वो आउटर ग्रोथ में इतना इंटरेस्टेड नहीं होगा। बट क्या ट्रिगर हुआ, मतलब बचपन में जैसे आपने बोला कि इम्पैक्ट हुआ दादाजी का, इम्पैक्ट हुआ फादर का, ऐसा क्या इम्पैक्ट हुआ कि आपका फोकस हो गया कि मुझे यूपीएससी करना है? नितिन जी, लाइफ में दो तरह के बंदे हैं, पूरे वर्ल्ड में दो तरह के बंदे हैं। हर एक बंदा, दोनों तरह के बंदे हैप्पीनेस चाहते हैं। एक तरह के बंदे वो हैं जो उनको ये लगता है कि मूविंग आउट, गोइंग आउट, अटेनिंग सक्सेस, अटेनिंग द डिजायर्स विल मेक यू हैप्पी। सपोज मुझे लगता है कि यार मैं यदि ये करियर डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, जब भी मैं बन जाऊंगा तो मैं सफल हो जाऊंगा, राइट। और सफल होने पर ही मैं हैप्पी हूंगा। तो दूसरे बंदे वो हैं जो कहते हैं सफलता एक तरफ, वो आए वेल इनफ, ना आए तब भी चलेगी, बट वी आर हैप्पी अदरवाइज। तो मैं पहली जो मेरी लाइफ की स्टेज है वो सक्सेस ओरिएंटेड है कि मुझे मटेरियल सक्सेस चाहिए था, मुझे अपने आप को एस्टेब्लिश करना था। बट आपको चाहिए था ये सब पहले? पहले चाहिए था। कभी ऐसा, ये जो इवोल्वमेंट आई है कि सक्सेस फ्रॉम सक्सेस टू हैप्पीनेस और टू पीस और टू ब्लिस इज एन एवोल्यूशन। बट क्या हर एक बंदा जो भी इस स्टेज पे पहुंचता है जहां पे उसको ये फील होता है कि मटेरियलिस्टिक गोल्स आर नॉट मेंट फॉर मी एट द मोमेंट, लेट्स से अभी आपके केस में आप बोलते हैं कि मुझे मटेरियलिस्टिक से इतना फर्क नहीं पड़ता, बट जो बंदा यहां तक पहुंचता है क्या इसका पाथ मटेरियलिज्म से होके ही है? देखो, जो हमारे शास्त्रों में चार पर्पज ऑफ लाइफ बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म हर एक चीज एक ड्यूटी के हिसाब से होनी चाहिए। अर्थ मीन्स मटेरियल वेल्थ, इट मे बी करियर आल्सो, काम, ऑल द प्लेजर्स ऑफ लाइफ। उसके बाद मोक्ष। यदि आप सिर्फ अपने आप को अर्थ और काम तक रखते हो सीमित, तो आपकी एवोल्यूशन नहीं है। अल्टीमेट पर्पस क्या है? मोक्ष, और ऐसी स्टेज जिसमें आप इन चीजों को कवर करते करते वहां पहुंच जाओ। तो ऐसा नहीं कि वो चीजें नहीं चाहिए, पर वो चीजें चाहिए अप टू द लेवल जो आपको एक प्लेटफॉर्म दे दे, उसके बाद नथिंग। बट सबका लेवल अलग हो सकता है सर? सबका लेवल अलग हो सकता है, पर मंजिल एक ही होगी। क्या मंजिल होती है? मोक्ष। मोक्ष का क्या मतलब है? ट्रू मीनिंग क्या है मोक्ष? व्हेन यू आर लिविंग इन योरसेल्फ। सपोज आपको ये लगता है कि आपने कंपनी खोली, इसकी मुझे टर्नओवर 100 crore करनी है, तो जब मैं 100 crore करूंगा मैं तभी हैप्पी हूँ, राइट। दैट वुड बी एन आउटर सक्सेस। जब जैसे मैं पहले जब मेरा यूपीएससी नहीं क्लियर हुआ था, मुझे लगता था इसके बाद एवरीथिंग वुड बी ड्रीम। व्हेन आई एम सक्सेसफुल आई वुड बी द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। विद इन वन मंथ एवरीथिंग गॉन। मतलब यूपीएससी क्लियर करने के बाद एक महीने बाद फील हुआ कि कुछ नहीं है। हाँ, तो आपको क्या लगता है? आपके एंगल साइड में भी सक्सेसफुल, बिकॉज़ सक्सेस इज ऑलवेज रिलेटिव।
मोक्ष और हैप्पीनेस और ब्लिस इज परमानेंट. इट वुड बी सेम फॉर मी, फॉर यू, फॉर हिम, फॉर एनी एनिमल, फॉर जो भी भैया थे उनके लिए भी सेम है. तो व्हाई नॉट टू लुक फॉर परमानेंसी इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर मेकिंग माई लाइफ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ डिजायर्स. मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, पहले ये चाहिए, इसके लिए भागे, ये चाहिए भागे. ठीक है, वो भी जरूरी है, पर जो सेंटर है भागने का, इट शुड बी मी. कि मैं जा रहा हूं, आई एम जस्ट गोइंग आउट आउट ऑफ माई इन द सोसाइटी जस्ट एज अ गेम, एज अ फन. लाइफ इज नॉट अ वॉर, इट्स नॉट अ स्ट्रगल, इट्स फन. कभी बच्चों को खेलते हुए देखना. तो जैसे ये गेम चल रही है, आपने मुझे कहा कि मुझे जीतने हारने का नहीं है. द जर्नी, द प्लेइंग ऑफ गेम इज द रियल फन. विनिंग लूजिंग इज ऑलवेज, कोई आप जीत जो, मैं जीत जो. तो जब आप विनिंग लूजिंग नहीं करते, तब आप हमेशा क्रिएटिव चीज देखो. नहीं यार, यदि मुझे होगा कि मुझे नितिन जी को हराना है, अच्छा नितिन ने यह किया तो मुझे ये ऐसी यहां से एक चीज उठानी चाहिए. तो यदि मुझे इसको फन करना है, तो नितिन मैं आपकी चीज को यहां लगा देता हूं, तो आप कहोगे इससे तो आप हार जाओगे. हार जीत के लिए कौन खेल रहा है? हु इज प्लेइंग फॉर विनिंग और लूजिंग? जस्ट प्लेइंग फॉर द सेक ऑफ प्लेइंग. दैट्स व्हाट लाइफ इज. बट यूपीएससी कहां से शुरू हुआ? मेरा ड्रीम था, मेरे फादर साहब का ड्रीम था. और मैंने, उनका ड्रीम था या आपका ड्रीम था? उन्होंने मेरे में सीड किया ड्रीम. कब कब की बात है? 7th or 8th में होगा. अच्छा, तो फिर 11th में मैं फेल हो गया. मैंने नॉन मेडिकल लिया. तो उसके बाद फिर मैंने मुझे लगा कि मुझे प्रूव करना है, आपको सोसाइटी को प्रूव करना है. पर मेरा एक बहुत बेसिक फंडामेंटल है कि मैं, माय टच स्टोन इज माई सेल्फ. मैं अपने आप को प्रूव करता हूँ. तो वो भी एक ईगो ही है. यदि मैं अपने आप को, नहीं मैं कुछ हूँ, यही प्रूव करना है ना. तो अभी तीसरी स्टेज, पहले बंदा सोसाइटी को प्रूव करता है, फिर अपने आप को, फिर बंदा कहता है ये प्रूव इनकी गेम ही गलत है. जस्ट एंजॉय लाइफ, एंजॉय योर स्टे ऑन दिस प्लेनेट. तो 11th में फेल हुए. जी जी. तब भी यूपीएससी का जोश था? हाँ, तब तो उसी से तो किक लगा कि नहीं मुझे करना यूपीएससी है. कितने अटेम्प्ट दिए? मेरे 4 अटेम्प्ट हमारे होते थे, मेरा 4th अटेम्प्ट क्लियर हुआ. बट जर्नी तो बहुत मुश्किल रही होगी. इट वाज फन, हार्ड वर्क. उस टाइम पे भी आपका माइंडसेट था ऐसा फन वाला? मुझे ये था कि यदि मेरे शायद 300 सीटें थी, तो मुझे ये था कि यदि एक सीट भी होगी तो वो शायद मेरे लिए है. तो दूसरा, गेम इज नॉट ओवर टिल आई हैव नॉट वन. मेरा वो एक प्रॉपर माइंडसेट था. बट कैसे संभालते थे? मतलब जब 3 अटेम्प्ट फेल हो गए, चौथा करने की हिम्मत जुटाना भी बहुत बड़ी बात होती है. उसमें गैप भी था. जैसे मतलब पहला चांस मैंने ऐसे ले लिया, आइडिया नहीं था, क्योंकि हम एक छोटे शहर में अमृतसर में रहते थे तब यूपीएससी. वहाँ अभी तो काफ़ी अवेयरनेस हो गई, ना यूट्यूब होता था ना कुछ होता था. तो तब मैं मुझे था कि मुझे करना ही है. ठीक है, पहला अटैम्प्ट मैंने ऐसे बीए में ले लिया. जब बीए फाइनल दिया तो कोई सिलेबस नहीं था, कुछ नहीं था. दूसरी बार में मेंस नहीं क्लियर हुआ, प्री क्लियर हो गया. तीसरी बार में प्री क्लियर नहीं हुआ. तो चौथा चांस था, मुझे था कि मुझे बनना ही है. तो गॉड हैज बीन काइंड इनफ, ही हैज बीन शॉवरिंग ब्लेसिंग्स ऑन मी. और अगर ना होता चौथे में तो क्या करते? बैकअप सोचा हुआ था कुछ? नहीं, नेवर. मैंने, आई बर्न द ब्रिजेस. मुझे था कि आई विल बी देयर. इतना बिलीव था? कंफर्म था. कंफर्म कैसे था? बिकॉज आई थिंक दैट यूनिवर्सल वांटेड मी टू बी देयर. मतलब आपको लग रहा था कि मेरा हो ही जाएगा? मैंने आपको क्या कहा, मुझे था कि यदि एक सीट भी होती तो मैं ही लड़ता. मैंने कभी ये, कभी जैसे आपने भी बात की, मैं अभी अपने माइंड में सोचता, मैंने कभी सोचा था कि मेरा नहीं होगा? चाहे 3 चांस फेल होने के बावजूद भी मुझे भी पूछता था, मैं नहीं यार मेरा तो हो गई, हुआ ना, हो नहीं जाएगा. इतना होना ही होना, मेरा ही होना. तो इसको आप मानते हो कि मैनिफेस्टेशन वर्क करती है? डू यू कॉल इट लाइक अ मैनिफेस्टेशन? मुझे लगता है कि लाइफ में जो सक्सेस है इज अ मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स, हार्ड वर्क एंड ब्लेसिंग्स. 90% हार्ड वर्क है, 10% ब्लेसिंग्स है. आप ब्लेस्ड हो. मैं, मुझे लगता है कि आई एम द ओनली चोजन पर्सन इन द वर्ल्ड. चोजन फॉर व्हाट? I mean, for the blessings of God. See, I'm sitting with you.
इफ जस्ट कंपेयर, इफ यू कंपेयर, देयर आई मीन थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु स्लेप्ट लास्ट नाइट एंड दे कुडंट वेक अप, आई एम ब्लेस्ड. एक बच्चा बड़ा क्रिब कर रहा था कि मेरे पास शूज नहीं है, तभी उसके सामने एक बच्चा निकला जिसकी टांगे नहीं थी, राइट. तो मैंने, मुझे लगता है कि वी हैव द ब्लेसिंग इन 99% और एरियाज ऑफ लाइफ, बट वी फोकस ओनली ऑन 1%. माई बॉडी इट सेल्फ इज अ ब्लेसिंग, माई ऑर्गन्स इट सेल्फ इज अ ब्लेसिंग, लिविंग, सिटिंग विद यू, टॉकिंग टू यू इज अ ब्लेसिंग. अभी मुझे चाय पिलाओगे, दैट विल अगेन बी ब्लेसिंग. अभी क्रिप करने का क्या है, अच्छा मैं आ गया आपके पास, पता नहीं यार ये चलेगा कि नहीं चलेगा, फिर नितिन जी ने इसको कैसे लिया, जो वीडियो वाला है वो भाई ने मेरी फोटो सही ली कि नहीं ली. जस्ट थिंक हाउ मेनी ब्लेसिंग्स यू हैव, होल यूनिवर्सल यूनिवर्स इज अलाइन टू यू, अलाइन टू यू. सो पीपल आर पैरानोइड, आई एम रिवर्स पैरानोइड. मुझे लगता है कि एवरीबॉडी इज, गॉड हैज बीन काइंड इनफ, तो उन्होंने आपको यहाँ ब्लेसिंग के लिए भेजा, एंड यू जस्ट अलाइन टू हिम एंड लाइफ इज ग्रेस. यूपीएससी में जब बंदे जाते हैं, बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो सकते हैं इसको देखें आज, क्या बदल जाता है उनकी लाइफ में व्हेन दे बिकम अ यूपीएससी ऑफिसर? जब आप बने, क्या चेंज हो गया एकदम? देखिए, एक तो पहले बहुत से लोग ये करते कि मुझे कुछ करना है, मुझे ये करना है, वो करना है, देन आफ्टर सम टाइम्स दे थिंक ऑफ सिस्टम, दे बिकम थोड़ा सा वो स्टेटस को इस माइंडसेट आ जाता है. मुझे लगता है कि इट इज अ प्लेटफॉर्म टू रियली नॉट ओनली ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ बट ट्रांसफॉर्म द पीपल अराउंड यू एंड बी योर बेस्ट वर्जन. You have, you can have impact. People think to be you to be a social leader. तो कुछ ना कुछ ऐसा जो आपकी देन है, जो आप रिसोर्सेज के कारण नहीं दे सके बाहर, वो दो. I think I'm making my point clear. तभी आपकी जर्नी शुरुआत हुई towards becoming a green man of India. वो कब हुआ, क्यों हुआ? I had फीलिंग टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी. मुझे ये लगता है कि ये जो सारा ना, इट्स अलाइन विद योर, अलाइन विद द ग्रैंड डिजाइन, गॉड वॉन्ट्स मी टू डू समथिंग. तो उसका फिर ट्रिगर हो गया, जैसे हम लुधियाना में थे तो मेरा बेटा थर्ड में था, मुझे कहता पापा मुझे छुट्टियाँ हो गई हैं. तो मैंने कहा भाई नवंबर में कौन सी छुट्टियाँ होती हैं? तो जब हम छोटे होते थे तो गर्मियों की छुट्टियाँ, सर्दियों की छुट्टियाँ, तो वो कहता मुझे पोल्यूशन की छुट्टियाँ हुई हैं. तो मुझे ये लगा यार, मी एज अ फादर, एज अ ब्यूरोक्रेट, एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, एज अ मेंबर ऑफ दिस वर्ल्ड, मुझे कुछ करना चाहिए. तो देन फ्रॉम दैट डे आई स्टार्टेड डूइंग इट. बड़ी मजेदार जर्नी रही है. हमने कोई 550 के आसपास जंगल बना लिए. आज भी आपने देखा होगा मैं कितना, मेरी ड्रेसिंग का क्या हाल था. सुबह हम सैटरडे संडे में यही काम करता हूँ, या ऑफिस के बाद. आज हम कुर्सी में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के सन्निध्य में एक जंगल बना के आए हैं, वर्टिकल गार्डन. परसों भी एक सुबह जंगल बन रहा है, कल भी कहीं ट्राई कर रहे हैं. तो ऑन एन एवरेज 2 दिन में एक जंगल, 3 दिन में एक जंगल, तो मजा आता है ना. बट यही क्यों, वो जो बच्चे वाली बात बताई, थर्ड क्लास में जो आपका बेटा था, वहां से यहाँ 550-556 जंगल तक की कहानी, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ ना कि वो कैसे हुआ, स्टेप बाय स्टेप. देखो नितिन, ये पहले हमने शुरू किया वर्टिकल गार्डन, वेस्ट प्लास्टिक बॉटल से हम वो बना रहे हैं, वर्टिकल गार्डन बना रहे हैं. तो हमने कोई 750-800 के आसपास वर्टिकल गार्डन डायरेक्टली बनाए, जिसमें तिहाड़ जेल में, एनजीटी के ऑफिस में, पुलिस थानों में, अपने इनकम टैक्स ऑफिस में, उसके पास, उसके लिए हमारे पास लिमका बुक रिकॉर्ड भी है. फिर
उसके बाद जब ये किया तो लोगों को ये लगा कि दे हैव द नॉलेज, तो हमने बच्चों को ट्रेन करना शुरू किया कि सीट बाल कैसे बनाती है। सीट बाल क्या होती है? सीट बाल होती है एक पेड़ को या प्लांट को चलने के लिए मिट्टी, थोड़ा सा न्यूट्रिएंट्स और सीड चाहिए होता है। तो हम मान लो वर्ल्ड में एक ही प्लांट हो, तो वो मल्टीप्लाई कैसे हुआ? उसका जो बीज है बर्ड खा के कहीं एक्सक्रीट कर गया, या हवा से उड़ गया, या पानी से चला गया। तो हम क्या करते हैं, मैन मेड मिट्टी से, मतलब मैन मेड तरीके से मिट्टी में सीड बॉल और वो लगा न्यूट्रिएंट्स डालकर उसका गोला बना देते हैं, और जहाँ भी फेंक होगी वहाँ पेड़ उग जाएगा। ये ड्रोन से हमने ट्रक वालों को दिया, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रक है, फिर हमने रेलवे वालों से बात की, अमेरिका वगैरह में तो वो बाय एरियल ट्रेन से फेंकते। इट्स फन। उससे ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है कि सीड बॉल वहाँ सीड स्प्राउट होना हो, बच्चों के मन में सीड स्प्राउट होता है। फर्स्ट यू मेक क्रिएट सीड हियर, आउटर मैनिफेस्टेशन कैन हैपन एनी टाइम। बढ़िया सर, डिस्कशन में तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। हाँ, डिस्कशन इज बट आप मुझे बता रहे थे बॉल्स के बारे में और कैसे सीड मल्टीप्लाई होता है। आपको बींग एन IRS ऑफिसर, उसका कुछ एडवांटेज मिला, कुछ ऐसी स्ट्रेंथ मिली जिसकी वजह से आप ये थोड़ा आसानी से कर पाए? देखो, लोग जानना शुरू हो जाते हैं आपकी, एक आपके साथ एक टैग लग गया, उसका एक बेनिफिट तो रहता है कि एक जेन्युइनली लोगों को क्रेडिबिलिटी रहती है। अदरवाइज तो इट्स माय पर्सनल पैशन, बट माय सर्विस, माय कैडर, माय कोलीग्स, सबऑर्डिनेट्स, सुपरऑर्डिनेट्स, एवरीबॉडी सपोर्ट्स मी, सो दैट इज आई मीन अगेन अ बेनिडिक्शन, अ ब्लेसिंग। बट सर, जब आप एक IRS ऑफिसर की लाइफ कैसी होती है, मतलब ये तो आपकी पर्सनल चीज़ें होगी जो आप कर रहे हैं, जो एक पैशन है, जो आप एक पर्पस, बिगर पर्पस सर्व कर रहे हैं, नॉर्मली एक IRS ऑफिसर की लाइफ या UPSC कैडेट की लाइफ क्या होती है, कैसी दिनचर्या रहती है? इट्स अ जॉब, गुड जॉब, हेक्टिक। डिपेंड करता है कि आप, आपका प्रोफाइल क्या है, इट मे बी हेक्टिक, यू टेंड टू इंटरेक्ट विद पब्लिक, तो आप अभी तो आप इनकम टैक्स ऑफिसर हैं? जी जी, अभी मैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल हूँ विजिलेंस में, तो इट्स गुड, मतलब इट्स वेरी होल टाइम करियर जॉब। क्या पर्क्स रहते हैं नॉर्मली IRS ऑफिसर को? हमारे स्केल्स होते हैं डिफरेंट, उस हिसाब से स्केल्स रहते हैं, दैट्स इट। जैसे आपके लेवल पे नॉर्मली एडिशनल डायरेक्टर के लेवल पे क्या पर्क्स रहते होंगे? पर्क्स इन द सेंस गवर्नमेंट सैलरी देती है, गाड़ी है, दैट्स इट। अच्छा, घर एंड एवरीथिंग इज टेकन, घर एवरीथिंग इज टेकन। आपने सर एक पूरे इंडिया में आज तक किसी ने कॉन्सेप्ट भी नहीं सुना होगा ऐसा कि ट्री का भी कोई हॉस्पिटल होता है, ट्री की भी एम्बुलेंस होती है, ये आपने शुरू किया, यू क्रिएटेड दैट, वो थॉट आया कहाँ से? देखो, जब आप बीमार पड़ते हो, पहले आपको पता करना, ये अंडरस्टैंड करना कि आप और प्लांट में फर्क क्या। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, हमारे संस्कारों में पेड़ों को अपने पूर्वज माना जाता है, ठीक है, हम लोग उसी से निकले हैं। मान लो मैंने अभी नाश्ता किया, ये बन था, बन मैदे से बना था, मैदा जमीन से बना, प्लेनेट का पार्ट है। यदि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ तो मैं उस एनिमल को खा रहा हूँ जिसने इंटर्न प्लांट खाया। सो बोथ द केसेस में हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हेल्थ ऑफ द प्लांट्स वी हैव ईटन, राइट। यदि प्लांट नहीं हेल्दी होगा तो यू कैन नॉट बी हेल्दी, और प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग्स आर एग्जैक्टली सेम। उनका भी बर्थ होता है, बड़े होते हैं, बीमार होते हैं, डाई होती है, ह्यूमंस का भी होता है, सिर्फ फर्क है कि वो चल नहीं पाते, उल्टे होते हैं, उनका दिमाग नीचे होता है, और जो ब्रांचेज है वो ऊपर होती है, तभी आप पेड़ की जड़ों को पानी डालते हो,
आपको मॉम ने बोला होगा कि अखरोट खाओ दिमाग अच्छा चलता है, तो जो सारा फूड है वो दिमाग के लिए होता है, ठीक है। प्लांट्स सांस लेते हैं, ठीक है, हम तीन पांच तत्व से बने हैं, हवा पानी अग्नि पृथ्वी आकाश, प्लांट में भी यही पांच तत्व हैं, राइट। और अभी देखो, यदि मेरे में इन पांच तत्वों में इम्बैलेंस हो जाए तो बीमार पड़ जाता हूँ। प्लांट्स में भी सेम चीज होती है, जैसे मैं आपको प्लांट्स की बीमारी बताऊं, आप बड़े हैरान होंगे, आपने नोटिस की होगी पर आपके अंदर ट्रिगर नहीं की होगी कभी। आपने देखा होगा कि हमने प्लांट को प्रोटेक्शन के लिए ट्री गार्ड लगा दिया, और प्लांट इतना बढ़ गया, ट्री गार्ड ऐसे इसको जकड़ा हुआ, तो आप इमेजिन करिए, मुझे चेन कर दीजिए, इनकेज कर दीजिए, या मुझे कैप्टिवेट कर दीजिए, कैन आई ग्रो, कैन आई लिव, राइट। प्लांट में कील लगा दिया, पेड़ में बोर्ड लगा दिया, तो यदि मेरे अंदर कील लगे तो कितना बुरा लगेगा मुझे। फिर लोग आजकल करते हैं, प्लांट को टीका लगा देते हैं मारने के लिए, ताकि कटिंग ना, कट का तो कोई वीडियो बना लेगा, टीके का कहाँ पता लगेगा, तो हम डी पॉइजन करते हैं, क्या प्लांट्स को फ्रूट्स नहीं आ रहे, टीका लगाते हैं लोग प्लांट्स को, बड़े लोग। आपको प्लांट को खत्म करने का बड़ा सिंपल तरीका है कि उसको इंजेक्शन लगा दो, अच्छा, ताकि डाइज, तो ये सारे, अच्छा, क्योंकि कट नहीं कर सकते डायरेक्टली, लॉक अगेंस्ट, लॉक अगेंस्ट है, तो हम इन सभी चीजों को वो करते हैं, रिवर्स करते हैं। जैसे बड़ी बार एक बार किसी प्लांट में फ्रूट नहीं आ रहा था, ठीक है, काफ़ी उनको, उसके जो ओनर थे उन्होंने काफ़ी ट्राई किया, तो हमने उसकी जड़ के पास हींग दबा दी, तो उसे फ्रूटिफिकेशन हो गई। जब पुराने जमाने में बच्चों को पेट दर्द होता था तो मदर हींग दे देती थी, उससे वात रोग था, तो उससे क्या हुआ, वात रोग ठीक हो गया, वो ग्रोथ करने शुरू हो गया। ये वेरी सिंपल सिंपल थिंग्स। तो ये कंसेप्ट की देयर इज अ हॉस्पिटल फॉर ह्यूमन बीइंग्स, फॉर फिशेस, फॉर डॉग्स, एनिमल्स, व्हाई नॉट टू हैव अ हॉस्पिटल फॉर प्लांट्स। तो नाउ वी आर प्लानिंग टू हैव हॉस्पिटल्स, मोर हॉस्पिटल्स। पहला हॉस्पिटल कहाँ बनाया आपने? अमृतसर में। अमृतसर में, अर्ली आई वाज पोस्टेड इन अमृतसर, मेरा होम टाउन भी वही है, तो वहाँ बनाया, उसके साथ एक एम्बुलेंस भी है, तो एक हमारा हेल्पलाइन नंबर है, जैसे मान लो आपके प्लांट को कोई ट्रबल है, लोगों को पता कैसे लगेगा उनके प्लांट के साथ ट्रबल है, मतलब इंसानों का तो फिर भी पता लग जाता है, बता देते हैं। मैं जैसे अभी आपको थोड़ी पहले एग्जांपल दे रहा था कि आपके घर में डॉग है, तो यू डू नॉट नीड लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, लैंग्वेज ओनली इज यूज बाय ह्यूमन बीइंग्स। मैं और मेरा डॉग, आप और अपना डॉग, आप और आपके बर्ड्स, दे टॉक नॉन वर्बली, आपको पता चल जाता है वो ठीक नहीं है, रिस्पोंड नहीं कर रहा, ये है, तो वो आपको कभी बताता नहीं आके। तो इसी तरह जैसे आप डॉग को विजुलाइज कर सकते हो, आप ट्री को भी कर सकते हो। बट कोई अगर मान लो कोई साइंस मिस कर रहा है, नहीं समझ पा रहा, जैसे क्या तरीका रहता है समझने का कि मेरे प्लांट में ये जैसे उसकी ग्रोथ नहीं होगी, ओके, ठीक है, मान लीजिए मेरा बच्चा है, मेरे दो बेटे हैं, यदि उनकी हाइट नहीं निकल रही, देन मस्ट बी समथिंग मिसिंग, प्रोटीन मिस होगा, विटामिन मिस होगा, मिनरल्स मिसिज होंगे, फिर डीफॉर्म ग्रोथ चल रही है, खाना नहीं प्रॉपर खा रहे, ओके, अब प्लांट को आपने ज़्यादा पानी दे दिया, यदि मैं किसी को ज़्यादा खाना डाल दूँ तो ज़्यादा पानी का भी प्रॉब्लम रहता है। देखिए, मोस्ट प्लांट्स डाई बिकॉज ऑफ ओवर वाटरिंग एंड ओवर केयरिंग, नॉट बिकॉज ऑफ, यस, घर वाले प्लांट तो ऐसे ही खराब होते हैं, ज़्यादा पानी दे, ज़्यादा पानी से मरते हैं। जी जी, बिल्कुल। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे मनी प्लांट है, ये है, उनको तो पानी चाहिए, अगर कुछ प्लांट को कुछ पानी चाहिए नहीं होता, और लोग उनको पानी देते, ओवर वाटर देते, ओवर वाटर, अच्छा, मतलब आपके जो हॉस्पिटल में लोग जो आते हैं मोस्टली, अब वो आपको जाना होता है वहाँ पे, आपके डॉक्टर्स को, या नहीं, उसमें दो है कि मान लीजिए कोई छोटा प्लांट है वो तो ले आते हैं, यदि कोई बड़ा प्लांट है तो हमारे दो तीन वर्कर हैं, वो वहाँ जाते हैं और उनको नेचर बेस्ड सोल्यूशन देते हैं। थर्ड तरीका क्या है कि बड़ी बार जैसे फॉरेन कंट्री से फ़ोन आया था कि मेरे प्लांट को ये प्रॉब्लम है, फंगस लग गया, वायरस लग गया, तो फ़ोटो भेजते हैं, तो हम फोटो से अपनी फ़ोटो पीछे बैक टीम को भेजते हैं, जहाँ कुछ आयुर्वेदाचार्य हैं,
ट्री लवर है, कुछ टी साइंटिस्ट है, कुछ रिसर्च स्कॉलर है, वो उसका बॉटनिस्ट है, बायोलॉजिस्ट है, वो उसका नेचर बेस्ड सॉल्यूशन बता के वापस भेज देते हैं। और ऐसे बहुत सारे मिरेकुलस भी देखे होंगे आपने रिकवरी होते हुए। हाँ देखिए, प्लांट्स, और यदि आप प्लांट्स को सोल मानते हो, वैसे तो साइंस इसको लिविंग बींग का क्रिएचर मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लिविंग क्रिएचर का टाइटल दिया है, तो दे आर लाइक ह्यूमन बींग्स ओनली। अभी एक रिसर्च में पढ़ रहा था, उसमें था कि एक प्लांट 4500 साल पहले एक ट्री गिरकर ऑलमोस्ट डेड हो गया, आसपास के जो ट्रीज है उसको शुगर दे रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं। अच्छा? जैसे वेंटिलेटर की तरह 4500 years ago। अच्छा ऐसा? या देयर इज अ वेरी फेमस बुक बाय द हिडन लाइफ ऑफ ट्रीज, तो उसमें पूरा प्रॉपर रिसर्च का उन्होंने वो दिया हुआ है कि ये प्लांट्स एक दूसरे को ऐसे ऐसे बचाते हैं। तो वी ह्यूमन लर्न हैव टू लर्न लॉट फ्रॉम देम। हम सोचते हैं कि हम लोग आए हैं, हमने दुनिया एक्वायर कर लिया, दुनिया चेंज कर ली। दैट इज नॉट नेवर द केस। वी जस्ट 7 billion, देयर 300 billion, जो एक रफ एस्टिमेट है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। प्लांट्स तो हमसे पहले से हैं, तभी इंसेस्टर कहते हैं। जैसे आवर स्क्रिप्चर्स से दैट मेरे अंदर ही मेरे जीवन और मृत्यु का कण है, ठीक है, तो व्हेन आई डाई आई विल बी क्रिमेटेड, द एलिमेंट ऑफ लाइफ वुड गो टू वाटर गिंजिस में, वहाँ से फिर मिट्टी में चली जाएगी, मिट्टी से प्लांट बनेगा, उसको बर्ड खाएगा, बर्ड एक्सक्रीट करेगा, वहाँ फिर गेहूँ या चावल बनेंगे, उसको मेल खाएगा, स्पर्म बनेगा, देन आई एम रीबोर्न। तो डेट इज़ लाइफ। वी हमारा जो जो संस्कृति है वो इसको कितना ज़्यादा, तभी इसको पूर्वज मानते हैं, पितृ मानते हैं, कहते हैं ये प्लांट लगाओ, नवग्रह लगाओ, नव 27 वो लगाओ, नक्षत्र वन लगाओ, ताकि हमारे जो जो रीबर्थ और डेथ का सर्कल वो चलता रहे। और कोई बहुत बड़ा हो जाए तो हम हमारे पंजाब में कहते बाबा बोहर। अच्छा, तो मींस बहुत ओल्ड प्लांट है, प्लांट है, प्लांट या ह्यूमन बीइंग है, वट वृक्ष है। बट ये सर 4500 साल वाली स्टोरी सुनकर तो मैं बहुत बहुत आपने देखे ऐसे खुद से इंस्टेंसेस? अब मैंने बहुत प्लांट्स को देखा कि कई प्लांट्स तो ऐसे होते हैं जब तक आप उसके आसपास ना जाओ तो ग्रोथ नहीं करते। अच्छा, तो दे आर आई मीन दे कैन इंटरेक्ट। सूर्यमुखी आल्सो लाइक लुकिंग फॉर लव एंड अटेंशन। एब्सोल्युटली। एंड इन अभी ये फिलीपींस वगैरह में प्लांट को मारने की जगह उसको गालियाँ निकालना शुरू कर देते हैं, तो नेगेटिव इमोशन से वो डेड हो जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं। तो दैट्स हाउ हाउ इमोशनल दे आर। आप अपने किसी दो प्लांट रख लो, एक को गालियाँ निकालना शुरू कर दो, ये है वो है, और एक को आप प्यार रखना शुरू करो, आप देखें उनकी ग्रोथ में जमीन आसमान का फर्क रहेगा। ये साइंटिफिक बात है जो आप बोल रहे हैं। मैं कोई भी चीज़ बिना आपने बोला तुरंत के बिना कुछ नहीं बोलना, तो बहुत सरप्राइजिंग चीज़ है, मैंने कभी इस एंगल से नहीं सोचा। सी जो ह्यूमन इंटेलेक्ट है वो सिर्फ वो चीज़ चाहता है कि जो उसने देखा, आई एम द कंट्रोलर ऑफ द वर्ल्ड। नो, बिफोर वी केम टू द वर्ल्ड देयर वर मोर प्लांट्स, रादर वी कट देम ऑफ। तो मुझे लगता है कि वी हैव टू रिविजिट अवर थॉट प्रोसेस फॉर प्लांटेशन। तो बहुत क्रेजी चीज़ें हैं सर। आपने पर्सनली कभी खुद से आप इतने प्लांट्स को देखते हैं, मॉनिटर करते हैं, कभी ऐसा भी फील किया है कि इस प्लांट को लव एंड केयर की ही ज़रूरत है और कुछ न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं है? मैनी प्लांट्स। और ऐसे रिकवरी होते भी देखा है? बहुत बार। मैं आपको एक बहुत अच्छा कंसेप्ट, एक आइडिया बताता हूँ कि व्हाट इज़ अ जंगल। आपको ये पता चलेगा कि ये इतनी जल्दी क्यों ग्रोथ होते हैं। हमने 2 साल पहले एक अमृतसर में अप्रैल के महीने में 4 acres का जंगल बनाया। एवरीबॉडी वाज सेइंग, ऑल द एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, एवरीबॉडी वाज सेइंग इट इज़ इम्पॉसिबल अप्रैल महीने में 45 degrees टेम्परेचर हो जाए और जंगल बन जाएगा। तो मैंने उनको बोला कि जंगल बनेगा, वो बहुत बढ़िया बनेगा।
तो पहले तो ये कहना कि हम बनाते हैं, हम लगाते हैं, मिसनोमर है। प्लांट्स अपने मुक्त हैं, हम सिर्फ एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे घर में दादा दादी चाचा चाची ताया ताई बच्चे पेरेंट्स होते हैं, वी मेक अ फैमिली ऑफ प्लांट्स, पीपल पीपल के साथ, बनियन बनियन के साथ, आंवला आंवला के साथ, अशोका अशोका के साथ, अर्जुना या फिर अश्वगंधा, बड़ा बीच वाला छोटा प्लांट बना दिए, उनको क्लस्टर में लगा दिया। विद इन 3-4 मंथ्स वो नीचे से अपनी जड़ें जोड़ लेते हैं। और फॉरेस्ट कभी भी जमीन के ऊपर नहीं बनता, ये नीचे बनता। अभी जो लैंडस्लाइड आ रही, क्यों, क्या कारण है कि जो फॉरेस्ट है, जो प्लांट है वहां है नहीं, तो वो जड़ों को पकड़ कर रखता है। एक प्लांट यहाँ लगाया, उसकी जड़ 10 फुट दूर होती है। और हम कोई भी फॉरेस्ट लगाते हैं, एक पडल जरूर बनाते हैं, यहाँ एक पोंड बनाते हैं। अभी आपने यहाँ एक प्लांट लगाया, आपको पडल 10 फुट दूर बनाया। पडल क्या होता है? पडल मीन्स छोटा सा पोंड। अच्छा, ठीक है। तो वो प्लांट की जड़ें उसको पकड़ने जाएंगी अपने आप जाती है, मतलब पता लग जाता है यहाँ पानी है। तो वो जब लेती है तो और की ग्रोथ होती है। तो ये प्योर साइंस है। मतलब हमारे यहाँ तो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था कि मैं पेड़ों में पेड़ अश्वत्थ का पीपल का पेड़। तो ये एक प्योर साइंस है जो तभी हमारे यहाँ पर पीपल के चारों तरफ घूमने को भी ऑक्सीजन देता है। ठीक है, आप हमारे इतने देवी देवता हैं, एक भी कोई ऐसे भगवान और देवी देवता नहीं होंगे इनके साथ बर्ड एनिमल प्लांट ना हो। सोचो भगवान शिव के साथ बरगद, ठीक है, कृष्ण जी के साथ कदम, ठीक है, और गणेश जी के साथ चूहा, और दूसरा प्लांट लक्ष्मी माता के साथ बिल का पत्री, बिल का प्लांट, शिव जी के साथ बिल पत्री, दुनिया में नहीं थी। सो हमारी जो इंडियन संस्कृति रही हुई है वो ये रही हुई है, लिव विद नेचर अकॉर्डिंग टू नेचर फॉर द नेचर। तो ये जो हिमाचल में आजकल चल रहा है, अभी भी, इनफैक्ट कल परसों भी बहुत बुरा हुआ, डिफॉरेस्टेशन ये सिर्फ एक रीजन है? देखिए, हम लोगों ने अपना लाइफस्टाइल ऐसे कर लिया कि हम जब भी नेचर से दूर जाते हैं तो नेचर अपने आप को शो करती है। ठीक है, डू यू बिलीव नेचर रिस्पॉन्ड्स? यू आर मी एज अ ह्यूमन बींग, यू आर ए ह्यूमन बींग इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ नेचर। एवरीथिंग इज टोटली कंट्रोल बाय नेचर। यू ब्रीद आउट, नेचर टेक्स इट, कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करती है, इट गिव्स यू ऑक्सीजन राइट देन एंड देयर 24/7। कोरोना में छोटे छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कितने पैसे लगे, राइट इन सेकेंड्स दे गिव यू ऑक्सीजन। पानी कहाँ से आता है? नेचर से। यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर सेकेंड्स, राइट। फूड कहाँ से आता है? नेचर से। आपकी जो गर्मी है, जो अंदर टेम्परेचर बनता है, सूर्य से आता है। एक हमारे श्लोक है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो बाहर है वही अंदर है। यदि मेरे अंदर 71% पानी है, एग्जैक्टली 71% पानी प्लैनेट पे है। मेरे अंदर यदि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक कंपोजिशन में, एग्जैक्टली सेम एनवायरमेंट में, राइट। मेरे बाहर जो टेम्परेचर वही अंदर है। मेटाबॉलिक फायर हमारे अंदर है। द मोमेंट वन डाइस देयर इज नो वार्मथ। यू आर नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेनेट। यू हैव इमर्ज्ड फ्रॉम इट, यू विल अब्सॉर्ब्ड इनटू इट। दिस इज नॉट अ साइंस, वेरी सिंपल थिंग। तो जब आप इससे दूर जाते हो, अभी मान लीजिए मैं अपनी बॉडी में कोई एलिमेंट ऐसा खराब करूं, तो नेचुरली इट विल प्ले हैवक। तो व्हाट इज डिजीज? जैसे पंच तत्व मैंने आपको बताया, यदि मेरे अंदर एक्स्ट्रा पानी हो जाए, आई विल स्टार्ट वॉमिटिंग,
प्लैनेट में एक्स्ट्रा पानी हो जाए उसको हम पोल्यूशन कहेंगे, देयर वुड बी सुनामी। हमारे में एक्स्ट्रा हवा हो जाए, एसिडिटी बाहर हो जाए, टोर्नेडो, स्टॉर्म, राइट, हुरिकेन। हमारे अंदर एक्स्ट्रा गर्मी हो जाए, बीमार, बाहर हो जाए, ग्लोबल वार्मिंग। सो पोल्यूशन एंड डिजीज आर नथिंग सेपरेट, दे आर नॉट सेपरेट थिंग्स। डिजीज इज पोल्यूशन इट लार्ज, दैट्स इट। तो ये जो पूरे प्लैनेट पे डिजीज हो रखे हैं, जी जी, पोल्यूशन का डिजीज है, ग्लोबल वार्मिंग का डिजीज है, ह्यूमन डिजीज है, दे आर इंटर रिलेटेड। हाउ डू वी सॉल्व देम? गो बैक टू द सोर्स। एज यू वॉन्ट योर सेल्फ टू बी हेल्दी एंड हैप्पी, आप अपने अंदर बॉडी में क्या लगते हो, एक्स्ट्रा खाना नहीं खाना, इसमें केमिकल नहीं डालना, बॉडी के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स आए, एग्जैक्टली वही प्लैनेट को करो, धरती माता को यही करो, तभी तो हम इसको माँ कहते हैं। एंड मदर और जो सन और जो उसके बच्चे हैं उसका जो वो है, जो रिलेशन है, इट्स 24/7। वट एवर यू टेक फ्रॉम प्लैनेट, वट एवर यू एक्सक्रीट टू द प्लैनेट, यू कम फ्रॉम द प्लैनेट आउट ऑफ फाइव एलिमेंट्स एंड यू मर्ज इन टू प्लैनेट, योर फाइव एलिमेंट गोज। तो इससे बड़ी पूजा, जैसे हम भगवान वर्ड कहते हैं, भगवान वर्ड भी कई लोग कहते हैं, वो इससे बनी है, व से वायु, क्या है, न से नीर, राइट, ये पांचों तत्वों के मिलकर बना है। तो ये जो नेचर है, इट इज़ गॉड, मदर अर्थ। तो सिर्फ प्लांट्स ही ये सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम या कुछ और भी है? देखिए, एक तो व्हेन यू मेक अ फॉरेस्ट और अ ट्री, यू डू नॉट मेक वन और फ्यू ट्रीज, यू मेक अ कलोनी। जब आपने पहला फॉरेस्ट बनाया अमृतसर में किया था शुरू, कहाँ किया था पहला? पहला नहीं, पहला लुधियाना में। लुधियाना में कितना टाइम में बन गया था वो? वो हमें जैसे 9 महीने लगते हैं बाहर आने में मदर के पेट से, उनको 18 महीने लगते हैं प्रॉपर बड़ा। अभी तो वो 25-30 फुट हो गया होगा। अच्छा, तो उसमें कितने एरिया में वो था? शायद 12,000 स्क्वायर फुट में था। तो उसमें 3,500-4,000 के आसपास पेड़ थे, मल्टीपल वैरायटी ऑफ ट्रीज। और जैसे मान लीजिए आपको ये बनाना है, यहाँ नीम लगा रहे हैं, सिर्फ आपने मोनोकल्चर किया, ओनली एक ही तरह का प्लांट लगाया, तो नीम को एक ही तरह का एलिमेंट चाहिए होगा, दे विल कम्पीट। हम नीम के अगेंस्ट पीपल, पीपल के बर्गर के आंवला, ताकि वो एक दूसरे को सपोर्ट करें, तभी एक एक साल में बहुत ऊपर बन जाते। टू प्लांट्स ऑल्सो कम्पीट? नो, ओनली ह्यूमन कम्पीट। सर्वाइवल ऑफ फिटनेस प्लांट में नहीं है। आपने कितनी प्लांटेशन देखी होगी, हैव यू एवर कम अक्रॉस एनी पैरासाइट प्लांट? एक प्लांट ऐसे चल रहा है, आप दोनों बराबर प्लांट लगाते हैं, हम ऐसे लगाए तो क्या होगा, यदि वो आप उनके क्राउन आपस में टकराने की जगह वो क्या करेगा, एक ऊपर चलेगा, नीचे जाना शुरू हो जाएगा, एक इस तरफ ग्रोथ कर लेगा, दे नेवर कम्पीट। दिस लॉजिक दैट सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस्ट इज फोनी लॉजिक एंड इज ओनली फॉर ह्यूमन बींग्स। नीम के ऊपर गिलोई चढ़ जाती है, गिलोई नीम के गुण ले लेती पर नीम को खराब नहीं करती। कभी किसी प्लांट को देखा कि बर्ड को पकड़ कर खा गए हो? यू नेम, इवन आप एनिमल्स को ले लीजिए, आप शेर ने एक शिकार कर लिया, उसके बाद जब तक वो भूखा नहीं है उसको कोई मतलब नहीं है, आप उसके पास से निकल जाओ, इट वॉन्ट अटैक यू, राइट। हमारे पास अगले 10 सालों का खाना है, उसके बाद भी और चाहिए। इजंट वेरी इंटरेस्टिंग? जब एक फॉरेस्ट बन जाता है सर, 18 महीने लग गए, 20 महीने लग गए, जो भी, जब लुधियाना में बना था, आसपास के लोगों के लिए क्या फर्क पड़ता है उससे? देखो, जो साइंटिफिक टर्म्स में आजकल बड़ा पॉपुलर वर्ड है, EQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो बहुत बढ़िया हो जाता है, 70 पहुंच जाता है। लुधियाना में हुआ ऐसे? जहाँ जहाँ लगा उसके आसपास का एरिया काफ़ी चेंज हुआ, ठीक है, बर्ड्स आने शुरू होते हैं। अच्छा, फिर तितली, छोटे एनिमल्स आने शुरू होते हैं, राइट। और छोटे एनिमल्स कौन कौन से? जैसे कई जगह रैबिट्स हैं, कई जगह जैसे ये मैना, तोता, मैना, ये सारे, इनको भी
एटलीस्ट कुछ तो चाहिए ना, आप लोगों ने अपने फ्लैट बना लिए, इनको क्या चाहिए, इनको भी घोंसले चाहिए। जो बड़ा पेड़ होगा उस पर घोंसले बनाने शुरू कर देंगे, ऊंचाई पर चिड़िया उस जगह बनाएगी जहाँ कांटे हो ताकि सांप सूप ना आ सके, तोता मैना ये सारे आने शुरू हो जाते हैं। तो दे मल्टीप्लाई, जैसे बी है तो ये एक से फूल लेगी, पॉल्यूशन करेगी और ज़्यादा एरिया डेवलप होगा और ज़्यादा एरिया में प्लांट आएंगे। तो यू नेवर क्रिएट, यू नेवर प्लांट वन ट्री, यू प्लांट ए कॉलोनी, थाउजेंड इंसेक्ट्स, बिलियंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट। अब हम इतनी हथेली में मिट्टी लेते हैं, उसमें 700 करोड़ से ज़्यादा माइक्रोब्स होते हैं, मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो दे हैव अमेजिंग लाइफ एंड बिकॉज ऑफ देम वी आर सर्वाइविंग। Do you sometimes, बहुत weird question हो गए शायद आपके लिए, मतलब I know, I would call it creative question. Okay, बहुत creative question है फिर ये। When you create a forest, just like God created this earth or universe, do you somehow feel that you are God for that forest? No, never. ऐसा कभी कभी फील नहीं होता आपको कि यार मैंने क्रिएट किया है? नेवर। यू आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू होम इट इज हैपनिंग। अभी आप ह्यूमन बींग को लगा लो कि जब हम नहीं थे तब ज्यादा फॉरेस्ट थे, इसका मतलब मी एज अ ह्यूमन हैव कट ऑफ चॉप्ड ऑफ मोर फॉरेस्ट देन देवर देयर अर्लियर। तो इट इज माई ड्यूटी, आई एम नॉट डूइंग समथिंग कि मुझे बहुत बड़ा कुछ फीलिंग आती है कि नहीं जी मैंने कुछ ना, इट्स माई ड्यूटी। और सेल्फिश हो जाओ आप थोड़ा, यार मैं यदि ऑक्सीजन नहीं होगी मैं जी नहीं पाऊंगा, मेरे बच्चे नहीं जी पाएंगे। तो इट्स नॉट समथिंग कि, एंड आई टोल्ड यू इट्स मिस नो मोर टू से वी प्लांट ट्रीज, नो, तो ऑलरेडी है और आपने लगा दिया। आप उनको पानी देते हो, आप उनको धूप देते हो, जो अपने आप ग्रोथ कर जाते हैं। वी जस्ट क्रिएट एन एनवायरमेंट, इसे माली ने एक एनवायरमेंट क्रिएट कर दिया, बाकी चीजें थोड़ा वो देता है। और अदर जंगल में तो आपको वो भी नहीं देना पड़ता, पहले मिट्टी को हम न्यूट्रिएंट्स देते हैं, वो भी देने नहीं पड़ते, वो अपने भी बन जाते हैं, सब सेल्फ चलता रहता, सब ऑटो पायलट मोड पे। ऑटो पायलट इज अवर वर्ड, ऑटो पायलट इज मैकेनिकल थिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ एग्जिस्टेंस। यू कैन नॉट कंपेयर नेचर एग्जिस्टेंस विद योर सो कॉल्ड जार्गन ऑफ मशीन्स, ऑटो पायलट एंड ऑल दिस थिंग्स। पर आप बता रहे थे, मैं आपसे पूछ रहा था कि जब आप प्लांट लग जाते हैं, फॉरेस्ट बन जाता है, नहीं सच्ची नहीं, मेरे को फील कभी फील नहीं आता है, क्या फील होता है? ब्लिस। हां, ब्लिस, ब्लिस, एक्सटेटिक। पांचों हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो जो है ना फ्लो थ्योरी पढ़ना कभी। ओके, क्या होती है फ्लो थ्योरी? जैसे आवर बॉडी नीड फाइव काइंड ऑफ टाइप्स ऑफ elements, chemicals to have happy hormones, aldrin, dopamine, wo. So very few instances are there when you have five, all the five chemicals are released. Aisa badi baar hota hai, main jungle jata hu. Then you have, do not have any sense of time, thakan, space, any other thing. And you're doing just for the sake of doing it. And you are at your optimal best also. Your efficiency increases 500%. That is the flow theory. इसी वजह मैं एक और creative question पूछता हूँ आपसे। जब हम gym जाते हैं तब हमें dopamine release होता है, हमें अच्छा feel होता है बाद में। किसी के लिए वो dopamine आता है book पढ़ने से, किसी के लिए guitar पे जाने से आता होगा, किसी के लिए बहुत एड्रेनल रश जो आता है वो आता है मे बी बाइक चलाने से बहुत तेज। सबको किसी ना किसी चीज से कुछ ना कुछ, जो फाइव एलिमेंट्स की आप बात कर रहे हैं, किसी को कहीं से कुछ मिलता है हार्मोन, किसी को कहीं से मिलता है। आपको ये सारे पांचों हार्मोन्स जो आपके ट्रिगर होते हैं वो होते हैं फॉरेस्ट लगाने से।
वन इज फॉर अ सर्विस बुक 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 पे तो मैं बात करूं थर्ड इज ट्रैवलिंग थर्ड ट्रैवलिंग आई मीन मुझे कई बार क्या लगता है कि लाइफ में सिर्फ तीन चीजें हैं प्लांट्स बुक्स ट्रैवलिंग एंड नाउडेज मैं हेल्थ पर जोर दे रहा हूँ पर हो जाएगा वो भी सी द एलिमेंट्स नेवर गिव यू हैप्पीनेस इट इज यू हु गिव हैप्पीनेस टू एलिमेंट्स चाय है एज अ टी टोटलर राइट जो शराब है लोगों को अटैक करती है मुझे नहीं करती मुझे चाय अटैक करती है इट मीन्स थिंग्स इन देमसेल्फ डोंट हैव एनी क्वेश्चन ऑफ हैप्पीनेस हैप्पीनेस इज इन यू यू गिव टू इट यू आर द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस दैट्स माई अंडरस्टैंडिंग आई मे बी रॉन्ग आई मीन बट क्या आपको कभी ऐसा फील होता है कि आप क्योंकि आपको ये रश फॉरेस्ट लगाने से मिलता है आप इस रश के लिए बहुत ज्यादा करते हो नो दिस इज नथिंग दिस हैज नथिंग टू डू विद माई सक्सेस दिस इज जस्ट इट गिव्स मी इट मेक्स मी मी ओके इट मेक्स मी मी आई एम एट माई बेस्ट व्हेन आई एम प्लांटेशन I am at my best when I am ready. I am what I am and I am traveling. Mujhe, Where do you travel? Huh? I travel chote chote jagah. Mujhe badi achhi lagti hai. Kya si? Kya? Kya aisa feel hota hai wahan ja ke? Koi purani abhi travel story? Please, yaar. Mujhe lagta ki jaise Hoshiarpur mein ek jagah hai Coconut Forest. जैसे ऐसी जगह जो किसी ने देखी नहीं हमने पंजाब में एक वाटरफॉल ढूंढा अच्छा तो उसको मैंने हाईलाइट कर दिया वहां लोग जाना शुरू हो गए समथिंग मजेदार बट क्या क्या मिलता है वहां पे जाकर सीखने को क्या मिलता है सीख लिया भाई और क्या इंटेलेक्चुअल कितना सीख लिया हैप्पीनेस कैसे मिलती है वहां पे यू आर ऑन योर ओन यू नो व्हाट इज हैप्पीनेस व्हेन यू आर ऑन योर ओन विदाउट हैविंग एन एक्सटर्नल सोर्स सपोज नितिन इज सोर्स ऑफ माय हैप्पीनेस इज सोर्स ऑफ नितिन एंड आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन द मूड्स ऑफ नितिन नितिन आज अच्छा नहीं है मैं हैप्पी नहीं हूँ Why to have that source of happiness outside? Make it inside. चलो आपसे एक और creative question पूछता हूँ. Do you believe in aliens? Maybe. I have never applied my mind. कभी सोचा नहीं. I have drawn a list. What I will not think of. What's that list? Many. I mean. आपने ऐसा लिखा है कि मैं इन बारे में कभी सोचूंगा. ऐसे क्या? जैसे मुझे वो नहीं बनना. Musician I can never be. मैं मुझे म्यूजिशियन के लिए बारे में नहीं सोचना मुझे साइंस फिक्शन कभी नहीं पढ़ने अच्छा क्यों मुझे घूमने टेस्ट नहीं है मुझे जो टेस्ट है फिर मैं सी मोस्ट पीपल की प्रॉब्लम क्या होती है कि वो क्या करते हैं वो ये करते हैं मुझे ये भी करना है ये भी करना है ये भी करना है फर्स्ट मेक अ लिस्ट विच यू डू नॉट और विल नॉट डू आपका अपने लाइफ फोकस हो जाएगी मुझे तीन चीज़ें करनी है प्लांटेशन ट्रैवलिंग बुक रीडिंग एंड योगा इसके बाद मुझे कोई एक्सरसाइज और कुछ नहीं करना नहीं जिमिंग नहीं करनी नहीं करनी बट ऐसा लगता है आपको कि ये क्योंकि आप एक सर्टेन एक्सपीरियंस पे आ गए हो तो आप ये नॉट टू डू लिस्ट बना सकते हो आप ही बना लो एनीबॉडी अ चाइल्ड कैन मेक व्हाट इज पेरेंटिंग आई हैव टोल्ड यू आई हैव रिटन अ बुक ऑन पेरेंटिंग इज टू गिव द एक्सपोजर ऑफ मेनी थिंग्स एंड फाइंड आउट व्हाट योर चाइल्ड इज इंटरेस्टेड एट Then you make an agreement that you don't need to do this. Why don't you do it? You can do it, I can do it. I do it with the routine. If I don't do anything, then I don't do it. Like I will not take... But doesn't that limit your potential to explore and go out and see things? Maybe, but like I thought that I won't go for ever touch alcohol. My area is done deal, finished. I will confine myself to tea only. Done deal. Then, see... नितिन जी मोस्ट पीपल मेजर इन माइनर थिंग्स
डू माइनर एंड मेजर थिंग्स, ये भी है, ये भी है, ये भी करना, वो आपने कट कर लिया, आपने कोर एरिया पर जोर लगा लो। यदि मैं इफ आई स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग ऑन ऑल द थिंग्स, लिमिटेड लाइफ। सो फर्स्ट आइडेंटिफाई व्हाट आर योर मेजर थिंग्स, मैंने आपको चार बता दिए, ये माय मेजर थिंग, रेस्ट ऑल इज फिनिश। अब मैं सोचूं मैंने क्रिकेट प्लेयर बनना है, मुझे एक अभी कोई आया 51 ईयर्स का कोई एथलीट एथलीट कर रहा है पेरिस ओलंपिक में, मैं सोचूं मैं करूं, मैं नहीं कर सकता, मैंने वो इशू छोड़ दिया। तो देन यू हैव, और बहुत सी छोटी चीजें हैं जैसे सोशल मीडिया, ये वो, ये चीजें भी मैंने अपनी एक लिमिट में रखी हुई है कि इसको ऐसे ही करना है। सोशल मीडिया यूज करते हो? हाँ हाँ, एडिक्टेड हो गया यार। रील्स किस टाइप के कंटेंट ज्यादा आपको पसंद है? डॉक्स, फिर जिसपे थोड़ा सा हंसा मजाक चलता रहे। खुद भी बनाते हैं कंटेंट? हाँ, मेरी अच्छी फॉलोइंग है मेरी। क्या सीखा कंटेंट बनाते टाइम अभी तक? कि मैं टोटली फेलियर उसमें, मुझे नहीं करना चाहिए, किसी और से बनवा लेना चाहिए। क्यों? मुझे लगता है मेरी रील, मैं इतनी बढ़िया रील भी डालता हूँ, मेरी वायरल नहीं होती। एक्चुअली तभी मैं कह रहा हूँ, अंकु को जैसे फोटोग्राफी का शौक है, तो वो एक बार अंकु ने बनाई थी, बड़ी अच्छी चली, मेरी चलती है नहीं, क्योंकि एक आपको जैसे दिस नॉट माई कोर एरिया, इसको वो कहते हैं ना, मेरा मतलब स्ट्रेंथ नहीं है, फोटे नहीं है। तो मैं उस पर ऐसे लगा रहा, हाँ मैं वैसे बना लेता तो मुझे लगता नहीं कि कोई मजेदार चीज है। बट आपको लगता है कि ये कंटेंट वगैरह की वजह से इतनी जो दुनिया डिस्ट्रैक्ट हो रही है, इज इट अ गुड थिंग और बैड थिंग? नथिंग इज गुड और बैड, हाउ यू यूज इट। आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, बच्चे आजकल रील देख कर रहे हैं, ठीक है। आपको प्लांटेशन के बारे में मुझे इतना नहीं पता था, बड़ी रीलें देखी, तो आप कितना यूज करते हो, क्या कंटेंट यूज करते हो, वो बहुत मैटर करता है। आप किड्स यूज करते हैं फोन? मैं उनको पढ़ाता हूँ, मतलब हमारी शर्त है कि 5 रीलें पहले नॉलेज भी देखो, फिर एक, फिर आपने जो मर्जी देखो। और उतनी उनको लगता है यही चीज़ बढ़िया। मेरा जो बड़ा बेटा है वो डिफेंस क्यों देखता है, उसकी ऐसी आदत बढ़ गई है। अच्छा, ये मतलब वो देखता ही, उसको एनडीए करनी है, वो उसी को देखता है। इसमें क्या, उनको मना नहीं कर सकते आप, तो 5 लेने देखे, 5 तक चलते चलते उसको लगता है यार यही बढ़िया है, फिर आने भी वैसे ही शुरू होती है, प्रॉम्प्ट भी वैसे आने शुरू होते हैं, एल्गोरिथम भी वैसे ट्यून हो जाता है, ट्यून हो जाता है। आपने तो बुक भी लिखी है पेरेंटिंग के ऊपर, है ना, सुपर चाइल्ड 52 हैबिट्स ऑफ पेरेंटिंग। अगर 52 तो बहुत लंबी हो जाएंगी, 52 बिकॉज़ देयर आर 52 वीक्स इन अ ईयर, अगर आपको टॉप 3 or 4 हैबिट्स बतानी होगी अच्छे पेरेंट की हाँ, तो क्या होगी वो? डू नॉट लिव योर लाइफ थ्रू देम। मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं बन नहीं पाया, मेरा बेटा वो बनेगा? नो, नेवर। ईच चाइल्ड इज बोर्न विद अ टैलेंट, विद अ नेचुरल एबिलिटी। द पर्पस ऑफ पेरेंटिंग इज टू bring forth, is to shine that and not to impose what we say. Third thing, children never do what you tell them to do. They just observe. They are the best monkeys in the world. मैं कोई slang बोलना शुरू कर दूँ, 10 दिन में घर का पाक जार्गन बन जाता। So you lead by example. Be their friends to such a level कि वो आपके कुछ, आपके साथ कुछ भी शेयर कर लें। और फोर्थ, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट फोकस मोर ऑन मैनर कि इंग्लिश कितनी बढ़िया बोल रहा है, बिहेवियर, फोकस ऑन वैल्यूज। इन द लॉन्ग टर्म वैल्यू मैटर्स, कि आपने क्या संस्कार दिए, जो हमारे भारतीय परंपरा में संस्कार, वो बाकी तो टेबल में कैसे खाना, तो ही विल लर्न, ही कैन लर्न फ्रॉम बुक, बट व्हाट वैल्यूज यू हैव गिवन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या मेजर गलतियां करते हैं लोग? बहुत सारे पेरेंट्स के साथ मिलते होंगे आप, व्हाट कॉमन पैटर्न और ट्रेट? आपने अभी पूछा ना कि ओवर वाटिंग से प्लांट खराब होते हैं, एग्जैक्टली वही करते हैं, ओवर पेरेंटिंग।
मेरा बेटा ये है, ये है, ये है, ऐसे ऐसे. आई टेक माई किड्स अलॉन्ग फॉर मेकिंग फॉरेस्ट एंड मेक देम स्लीप इन टेंट्स. डू नॉट रिप्लेस टाइम विद कंफर्ट. टाइम दो कंफर्ट नहीं, आप उनकी लाइफ इतनी कंफर्टेबल बनाते हो कि दे नेवर रियलाइज कि उनको नो की आदत नहीं है. जो मांगा मिल गया, जो मांगा मिल गया, जो मांगा मिल गया. एंड आपने एक साइकोलॉजी तैयार कर दी, 18 सालों में उन्होंने जो कुछ मांगा कि मुझे ये चाहिए, यू कैन नाउ इफ यू से नो नो नाउ दे विल ट्रीट यू एज एनिमी. और बड़ी बार ऐसे होता है कि बच्चे कहते हैं कि ये शोर मचा रहे हैं, बताओ अरे शोर क्यों मचा रहे हो, मैच्योर बनो. ये मैच्योर होते बच्चे उठते क्यों? लेट देम बी. द ओनली थिंग इज लेट देम बी. मोस्ट मदर्स डू नॉट लेट देम बी. बच्चा शोर मचा रहा, को मचा, पूरा एंजॉय कर. दे फॉर देम यू आर स्टॉपिंग देम, यू आर सेइंग देम नो बिकम्स she will always say no, he will always say no. Does parenting also set you for life or change the way you behave with people when you grow up? Your only limit is you. Who is you? Who has been formed? Science says, research says ki 12-15 saalon tak aapki jo mindset ban gaya wahi rehta. Parenting is a major इन्फ्लुएंसर ऑन बीइंग यू. आपके जैसे आप अपने माइंड को डाइसेक्ट करो, आप देखो आपके जो 80% आइडियाज होंगे टीचर और पेरेंट्स से आए होंगे और फ्रेंड्स से आए होंगे. कोजिनेटिव इमोशनल आल्सो हाउ यू रिएक्ट. तो ये पेरेंटिंग इज नॉट जस्ट गुड कोर्स. नो एब्सोल्युटली रॉन्ग. इफ माई चाइल्ड इज वेरी गुड एट intellect but he is not a good human being, he would be efficient in befooling others. So parenting life mein do tarah ki cheeze hain. One is speed, another is direction. One is speed, other is direction. So you and me have to go to Mathura. You have a bicycle at the rate of speed 10 per kilometer. I have a car at the rate of 100 kilometers per hour. But the catch is, none of us, I do not know the direction. And I start going towards Delhi. I would be fast and failure. Parents give them speed. My boy should get these many marks. Class mein first aana chahiye, aana chahiye. But what about the direction? He wants to be a musician. A dancer, and you are making him nahi, you have to be a doctor. So direction is parenting. Speed is schooling, mannerism. Most parents fail in direction. What can they do better to get better in giving directions? First, they should withdraw their own personality imposed upon their children. मैं तो ऐसे ही करता था, मेरा तो ऐसा. अरे भाई आप पपीते का पेड़ हो, वो सेब का है, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि पपीता ही निकलेगा? सही बात है. नेचुरली एवरी ह्यूमन बीइंग, यू मी सर सिटिंग देयर, दे हैव अ एबिलिटी ऑफ देयर ओन. वी कैन नॉट बी यूनिफॉर्म. जस्ट बिकॉज आई हैव गिवन बर्थ टू समबडी, आई डोंट हैव अ राइट टू थिंक दैट ही और शी शुड बी लाइक मी or living my dream through them. No, give them direction. Life ka ye purpose, be good human being is much more better than being a good professional or whatsoever you call it, so-called successful person. People who are growing up. We are also. People who are growing up in their early days of life. Early days, these are also early days. Biological early days. Biological okay. Early days. How do they set some traits in their mindset or the way they behave that makes them a good human being? आपने good human being की बात की, इसलिए पूछ रहा हूँ कि
what defines or what makes a good human? See, but first we come to how to be a good human being. Yeah. Speed. 99% of you are habits, right? What you think, what you eat, how I have taken this is also a habit. So you have to focus on your habits, right? You will be the sum total of your habits today, tomorrow. Habits are not only physical, it's mental also. Whom you spend your time with. You are the average of 5 persons whom you spend your time with. Have a good company. Find your purpose. Ultimate purpose of life is finding your purpose. Ultimate purpose is to find a purpose. Find your purpose. Like, what's your purpose? I'm finding. If at this age, you're still finding. So it means your direction is not clear. You ask me, my purpose is to create 1,000 forests by 31st 12 2024 12 p.m. Is it a purpose or a goal? Purpose. Goal is purpose has to be quantified to get the speed. The goal is not quantified? Goal and purpose have, when the purpose is quantified, it becomes goal. I generally do not live goal-oriented life, right? But somehow your time in this planet is limited. You have to see, I will do this. Oh yaar, I have enough time. I'm not here perpetually. So tab aapko kuch na kuch set karna padta hai. Ab maan lo aapne ye purpose pura kar diya. Will the purpose change? No, no, absolutely. It will increase. Purpose is plantation. Goal is these many forests. And purpose is that without any desire of what is going to give, come back to me, I have to give. That's the purpose. That is why I say I never create forests. What if you achieve this purpose in maybe 1 year, 2 year, 3 year? What happens? I will increase more purpose. I will add quantity into it. So that's everlasting. It's never ending. Purpose is that thing for which every second you live. But it's ant to nahi hai na kuch bhi. Anant hai. Aapke jo neurons hain, aapke andar jo bhi pal pal chhan chhan, kan kan, ek hi cheez. Have you ever thought ki sun stops? Uska purpose hai ye. Why? Purpose uska ye. Purpose wo cheez honi chahiye. Ki jo hamesha rahe. तब भी तो पर्पस है। आजकल आपको लगता है जो 20 साल के बच्चे हैं, उनका पर्पस क्लियर है? 20 साल के बच्चे तो नहीं रहेंगे, यंग रहेंगे। नहीं, मुझे लगता है कि इस चीज में हमें सोसाइटी को, हम लोगों को बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। When we were 20s, relatively, see, these days children are very goal oriented. अपना बताते मुझे ये करना है, वो करना, ये करना, वो करना, but that is their professional goal. Suppose if you ask me in hindsight, you wanted to be an officer, I became. That was my professional goal. What is the purpose of life? It's bigger. It's bigger than the life. And what's your biggest regret? No regret. I'm fairly blessed. Kabhi aaj tak pehle early days mein bhi koi aisa regret nahi hai? Nahi, kya regret hai life mein? Ab jeevit ho, enjoy kar rahe ho, God ki blessing hai. Aapke saath baitha hu, AC chal raha hai. अभी चाय पी और ये और खाया वड़ा पाव. अभी चाय में की इतनी स्वाद है कि और पीने की इच्छा हो गई है. व्हाट एल्स? हाँ, मुझे दे दीजिए. व्हाट एल्स यू रिक्वायर इन लाइफ? सी, यू आर, इफ यू स्टार्ट काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स, यू हैव बिलियंस. एंड इफ यू स्टार्ट काउंटिंग द एरियाज वेयर यू आर नॉट ब्लेस्ड, इट विल बी लेस देन 5. वन ऑफ my habits which I've been following religiously is the moment I get up in the morning, I say to myself 5 sentences of gratitude, specific sentences. Why I'm so blessed? I'm blessed I'm alive today. I'm blessed I have my body organs. I'm blessed I have clothing. I'm blessed I have a family. I'm blessed I have a job. See, the life which you are living is a dream of 99.9% of people.
एंड यू रिग्रेट नेवर, आई मीन यू शुड नेवर रिग्रेट, वर्ड शुड बी ओमिटेड, डिलीटेड, एलिमिनेटेड. एंड इफ यू गो अ बिट मोर डीपर इनटू इट, एवरीथिंग इज डिस्टाइंड. I'm saying I'm doing this, I'm doing this, I'm changing this, this. Everything is strange. You are just a grain of sand. You're like pulling the flowing water. Mm. It has to go to sea. Reverse water has to go to sea. You're just pretending that you're doing. Everything is natural. Autopilot. Existence. But आपको लगता है कि I'm sure you believe in God. आप बिलीव करते हैं गॉड में. You're assuming your assumption is right. Right. Now, if there is a God, who created that God? That's one of the question which is like a purpose of my life to figure out. Who created God? God himself created himself. How? How? He's there. So he created. How can he be there? See, God, the word of God, you human have created. Okay, so let's say, when you imagine God, what do you see? No, I don't imagine. I think he's existing through me. Okay. Yeah, everybody is existing through you, through plants, through animals. Everywhere he's there. Not even a what single. What I'm trying to understand today is, there are so many elements around us. Mm-hmm. इतनी सारे हमारे आसपास सब कुछ है, nature mm-hmm. है, existence है, कितना कुछ है. किसने बनाया ये? God ने. God को किसने बनाया? Because God Himself is the reason of existence. Suppose if you say existence is there, mm-hmm. who created this existence? It is, there's a word called sui generis. It is created by its own will. Like I tell you how, I can give you example, but this is somewhat intellectual. I create an idea that, say for example, I should start a school. Right? This idea is coming from me. Right? It fructifies or doesn't fructify, comes back to me. It is like Leela. It's a Leelas of God. Everything. It is going out, coming in, going out. So the ultimate creator is God. You may call it God. You may call it existence also. I do not, atheist people do not say that God is there. They say that existence. So existence created of its own. It will create, it will, it is anant. No birth, no death. It is there billions of years ago and it will be there. Beliefs of your ahead. Although I'm still. Yeah, it is very difficult to answer existence. You can call it because to see if you make if you believe in God, then this question comes. Or if you believe in existence, existence itself created its own version. How? Wahi to confusion hai. How means what? How did the existence know to create itself? Because its very purpose is to create. Suppose my very purpose is to, exist. Right? That is why I create everything around me. Same is the case with existence. Do you believe animals think and they also feel there is a God? Animals like think. To us, there is a God. It was, at least there is an existence. This stupidity is given to only human beings. Mm. Animals never think, they just enjoy. You must have thought 50 years end of your life. After 50, I would be doing this. When I am 70, I am doing this. They live in the moment. Food, lunchtime, they may not get evening time. Even then, they are happy. Mm. You have food for 50 years, still you are cribbing. Means as a human being. So they never think. Intellectualism is not intelligence. When you are thinking, you are not living.
Suppose if I says you something, Nitin start thinking. He is interpreting my words. But if he is just observing, living the moment, he is not thinking. He is there. Thinking is the moment you think. Any thought in the world, either it will be your past or future. That cannot be. In fact, I am visualizing right as you are speaking. Yeah. It cannot be of the moment. So thinking is not natural to human being. If you want to really live life. Someone said to me that you know the reason why humans think is because we have a language. No. Because how do you think? You think in your own language. Then you start imagining the things. Right? Language is one medium. But your mind is the machine which makes you think. If you have... So that means animals also think in a way. Animals, they live. They do not have mind. Have you ever come across any animal committing suicide? Just think. Give me one example. I don't even know. I know. I don't know. You go to... Because you presume. Animals do not think. Their mind is at minimal. They just enjoy. They just exist. They just vegetate. That is why they are happy. You will not see many animals crying even. And we people, for the last 1 hour, there might have committed, 10,000 people might have committed suicide. So who is more intelligent than as a species? Animals. So thinking, if you see, we human being have two things. Mind as well as meditation. It is inside us. We have over-focused on mind. That is where you're thinking, this, I will create this, I will create this, I will create this, I will create this. Meditation is no thinking, no mind. What is meditation? You have also written a book, Think Like a Yogi. So, mujhe kya lagta ki meditation is no mind. It is no thinking. Mind is thinking. Main abhi aapse baat kar raha hun. You are thinking of the way I am talking, I'm gesturing. If you leave it and you just observe without applying your mind, you're happy. Happiness is living in the moment, not thinking in the moment. What's this book all about? See, primarily how to live a successful and happy life. Material success you will get. But whether your success is giving you happiness or not, that is this. Think like a yogi. How do you think like a yogi? How can one think like a yogi? They also apply mind, right? But their thoughts are inner. Thoughts are not for their ego-oriented demands that I will get this, I will get this, I will get this. A long wish list, no. Their thoughts are centered from their inner core and with the purpose of happiness. In the society, when they go out, they are happy. Withdrawing from the society, they are happy. What is our problem? What is success? For me, success might be this. True. Right? For you, success might be this. Right? So success is relative. It will not give you lasting happiness. Right? For lasting happiness, you have to go inside you. So the inner core must be with the purpose of happiness. मैंने एक चीज और भी देखी थी आपके बारे में कि आप बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते भी हैं। हाँ, पढ़ाते grooming करते हैं पढ़ाना क्या? कैसे मतलब किस टाइप की grooming करते हैं? Good habits, उनको जैसे पंच तत्व की बात की, how to live with the environment, पंच तत्व क्या है, वो सारी चीजें मैं कराता हूँ। Is there a difference that you've seen between rural kids and urban kids? Their mindset? These people, urban people, more
at comfort, they enjoy more comfort. They have only good English speaking, that's it. I mean, but they are... Vision or mindset mein kuch farak dikhta hai? No. I met four students. One was Kartavya, Nirbhaya, Arav, and one more. They are from a rural area, but very high vision. Well, digital divide has reduced the vision also. Reduce the gap in the vision. Gap in the way you think. Yeah. That is why the benefit of reels. But sir, बहुत मजा आया आपसे बात करके. मुझे बड़ा मजा आया. Last चीज़ मैं आपसे पूछूँगा. ये Limca Book of World Records की क्या कहानी है? कैसे हुआ ये? ये दो है हमारे पास. एक तो ये है एक largest vertical garden. 13,000-14,000 square foot कुछ. कहाँ पे? लुधियाना इनकम टैक्स ऑफिस. अच्छा. और हमने एक टैक्सेशन प्रोग्राम किया था जिसमें बच्चों को गाइड किया था, बच्चों को टैक्सेशन चैप्टर दिया था, एक उसका मिला. उसके बाद अभी इसका प्लांटेशन, उसका ये जो हॉस्पिटल है उसका अभी बोला मैं. अच्छा, ना मेरे खत्म हो गए, मेरा वो चाह खत्म हो गया. अभी वो मुझे कह रहे एवरी डे यू आर मेकिंग वन रिकॉर्ड. मैं मुझे चाहिए नहीं, मतलब गिनीज को. तो पहले इनिशियली एक दो हुआ, उसके बाद फिर खत्म. देन इट इज नंबर वंस लिफ्ट फिनिश. एक आपने वो कर लिया, Limca रिकॉर्ड बना लिया, इनफ. नाउ अब गिनीज है. गिनीज तो उन्होंने मुझे इसका बोला है हॉस्पिटल को, मैंने नहीं दे रहा उनको. आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे को नहीं फर्क पड़ता. पर बुक्स में क्या, यू ग्रो. अभी नेक्स्ट बुक आई एम राइटिंग ऑन रिपब्लिक ऑफ ट्रीज. उस पर लिख रहा हूँ. तो क्या है, व्हाट्स दैट अबाउट? It's like if there are only trees in the world. What will happen if there are only trees in the world? Everything would be, again, heaven. Earlier it used to be there. But who will enjoy that heaven? Trees. You are not the only, person, only creature in the world. Animals. Human beings are 0.005%. So. Why do you think that you are the owner of this earth? We should not say. That's true. That's very simple. That's one way to look at it. No, it is the only way to look at it. One virus of corona, the total weight of all the viruses of corona in the world is 2 grams, has brought down on knees all of the world. And you are saying you are very powerful. अभी देखो ना, पीछे थोड़े दिन पहले माइक्रोसॉफ्ट का वो एक हल्का सा ब्लू स्क्रीन आया था, सारा खत्म हो गया, पूरी दुनिया स्टैंड स्टिल पे आ गई थी. आप उसको तो आप उसको उसके मतलब मशीन के तौर पे ले लो. नो मैन मेड थिंग कैन ग्रो. यू नेम वन एनी, वी हैव क्रिएटेड बिलियंस ऑफ थिंग्स. एनीथिंग कप, इट विल नेवर ग्रो. दिस विल नेवर ग्रो. Trees will grow, plants will grow, mind will grow, body will grow, universe will grow. And these, the problem of life is most people confuse comfort with happiness. What actually we are looking is happiness. Oh yaar, aaj maine naya mobile liya to iska model bada acha hai, comfort acha ho gaya, mujhe laga ye koi happiness hai. Do din baad wahi lagta hai yaar, theek hai yaar, kya hai. So ultimately you have to make a distinction between comfort and happiness, and what you are actually looking is happiness, not comfort. Good sir, बहुत मजा आया आपसे बात करके. बहुत मजा. Thank you so much. हो गया over भी हो गया. हाँ. अच्छा, मैं कितने बंद किया हुआ अभी? पौने दो घंटे हो गए सर. Oh my god, time क्या हो गया? 4 बजे. But बहुत अच्छा लगा. मुझे बड़ा अच्छा मजा. आप, I hope आपको अच्छा लगा. हाँ, तो बिल्कुल एक टीटी informal में ना बड़ा मजा आता है. Then you open up. You do not filter through intellect. Yeah. और मुझे लगता है intellect is only one aspect of body. Intellect को ज़्यादा use नहीं करना चाहिए. इसको सिर्फ कि अच्छा मुझे इसका number याद होना चाहिए, या भाई साहब को मैंने चाय का बोल दिया, इससे ज़्यादा नहीं use. Other feeling. See, मैं आपको एक barometer बना देता हूँ. You will be calling people every week or every day. जब किसी बंदे के जाने के बाद आपको फील गुड हो ना, वाइब्रेशन अच्छी है, तो समझ लेना बंदा इंटेलेक्ट नहीं है. बंदा मतलब बंदा इंटेलेक्ट नहीं है, नहीं है.
अच्छा, अगर फील गुड हो तो, फील गुड हो तो वो इमोशन से बात कर रहा है, क्योंकि इंटेलेक्ट की बेसिक क्वालिटी है कि वो इमोशनलेस है, इमोशनलेस है। इट्स एआई, माइंड एआई, कि मैंने चाय कैसे पीनी, मैंने ऐसे करना, मेरे माइंड ने वो किया होगा ऐसे करके ऐसे पीनी। इट्स एआई, इट विल नेवर ग्रो, यू विल नॉट गेट एनी आइडियाज। कुछ आइडियाज ऐसे आएंगे जिसमें आपको लगे यार यार ये तो या तो बंदा पागल है, या मेरे को ऐसे आइडियाज आ गए कि ये क्या हो रहा है। यू तुम्हारे माइंड को रेजिस्टेंस हो यार ये थॉट कैसा हो रहा है, अपने ठीक हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि वाइब्रेशन, वी आर प्राइमरी इमोशनल बींग्स, इंटेलेक्ट वी जस्ट यूज फॉर जस्टिफिकेशन। तो जब मैं इंटेलेक्ट के बाहर आके बोलता हूँ मुझे बड़ा मजा आता है, नहीं यार बाकी ठीक है। फिर आपको थॉट भी ऐसे आएंगे यार एनिमल्स यूज नहीं करते, ये नहीं करते, एलियंस होते हैं, एलियंस होते नहीं होते, तो क्रिएटिव आएंगे। द बिगेस्ट रिबेलियन इन द वर्ल्ड इज क्रिएटिविटी। अभी आप एआई में कुछ डाल दो, यूपीएससी क्वेश्चन डाल लेते, वो आंसर दे देते, अब तो होने लग गए, इट्स हैपनिंग ऑलरेडी। तो यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एआई एंड ह्यूमन, ह्यूमन सभी कह रहे हैं कि खत्म हो जाएगा ये। AI is just compilation. डेटा है, डेटा है, ट्रेंड है उस पर, डेटा ऊपर नीचे कर दिया, कंपाइल हो गया, बट इट कैन नॉट बी क्रिएटिव, इट कांट थिंक। सो एज ऑफ नो द पर्पस ऑफ एजुकेशन शुड बी ओनली वन, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी, क्योंकि बाकी चीजें तो हो ही रही है, वो ही बैठी हुई है। मेरे बेटे ने तो वो लगा दिया सीरी अलेक्सा, अलेक्सा एसी चला, एसी बंद कर, फ्यूचर में रोबोट भी आ जाएंगे कि वो टांगे दबाएंगे। यहाँ का एलेक्सा ट्रिगर हो गया, आपने बोला ना एलेक्सा, 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 एलेक्सा एसी चला, अभी बोले ही रहा हूँ, नहीं आता। तो एलेक्सा ढूंढ ले ना, ऐसे थोड़ा होता। एनीवे, बट सो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच। आई एम एट माय बी, which is anyway the purpose, to be self. क्या है सर, तीन habits क्या है life की, human की? मैं जो तीन habits बहुत religiously follow करता हूँ, पहली habit है gratitude, सुबह उठता हूँ 5 specific sentences बोलता हूँ कि why I'm blessed, मैंने बताया भी आपको कि healthy हो गया, ही हो गया। एक habit बहुत अच्छी है, आप लोग भी follow कर सकते हो, कि जब हम school में तुम्हें stars मिलते थे, बड़े स्कूलों में आए, कॉलेज में आए, तो हमें ग्रेडिंग मिलती थी 100 में से इतने, ये वो, जॉब में आए APR मिलती है, ACR मिलती है। मैं हर एक दिन जीता हूँ, तो मैं रोज अपने दिन की रेटिंग करता हूँ सोने के वक्त, अच्छा 1 से 10, जैसे आज आपके साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई, तो मैं इसको 5 नंबर दूंगा, 10 में से 5 में जंगल लगा चुका हूँ 10, और 2 मैंने और बने, मतलब मैक्सिमम 10 में से 10 लगे। Tomorrow my competition will be made my own self. 10 second की habit आपकी life change कर देगी, और ये आपके 6 area, 7 area life में सारे cover होने चाहिए। Health के area में कुछ ना कुछ करो, मान लो मैंने running कर ली, उसके 2 दे दिए, professional area में, financial area में, parent family area में, hobbies and habits के area में, passion के area में, तो कुछ ना कुछ करते, तो आप देखोगे यदि आपकी किसी महीने 6-6 से ऊपर नंबर रहे तो वो आपका सुपर प्रोडक्टिव बनेगा। एक ये थर्ड हैबिट विच इज वेरी स्ट्रेंज, मैंने एक रिसर्च पढ़ी है कि आप अपनी कबर्ड में शायद 73% चीजें कभी यूज नहीं करोगे, नहीं करते हाँ। तो मैं रोज अपनी एक बिलोंगिंग गिफ्ट करता हूँ, आज डायरी निकाल दी, स्टेपलर निकाल दिया, टी शर्ट निकाल दी, शर्ट निकाल दी, रात को मैं कपड़े सेट करता हूँ, निकाल देता हूँ, 8 साल से कर रहा हूँ, फिर भी हमारी अलमारी खत्म नहीं, खत्म नहीं है। बस ओनली कैचेस की आपके ससुराल से कोई चीज आई है, वाइफ से पूछ कर निकाल दे। तो ये अमेजिंग है, यू विल एंजॉय। और फिर आप देखोगे, आप चीज खरीदने भी जाओगे ना, आप लिमिटेड चीजें खरीदोगे, ये मुझे नहीं चाहिए, ये नहीं, मैंने यूज करूंगा, कोई भी हैबिट मेरी इंटेलेक्चुअल नहीं है, आई लिव एंड देन थेराइज, यू थिंक लाइक अ योगी। लॉर्ड हैज बीन काइंड टू अस, लॉर्ड हैज बीन काइंड, यस सर।
Thank you.